नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज के बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के कुछ भागों में 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट, चंबा में नदी नाले उफान पर। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 1 सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के 5 जिलों के कुछ स्थानों पर 24 से 30 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला व सिरमौर के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। उधर बीती रात बैजनाथ में 85, पालमपुर में 25.2, जोगिंद्रनगर में 18, धर्मशाला में 10.4, पांवटा साहिब में 7.6, सैंज में 7.5, काहू 7.5, कसौली 7.4 व शिमला में 5.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शिमला में बुधवार को हल्की धूप खिलने के साथ धुंध छाई रही। भारी बारिश के चलते चंबा तलिरू मार्ग पर 6 के समीप सुबह करीब 7 बजे अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया। इससे बड़ी मात्रा में मलबा व पानी सड़क पर आने लगा। इसके बाद मार्ग से होकर गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार थम गई। देखते ही देखते चंबा और तलेरू दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 1.5 घंटे बाद जलस्तर में कमी होने के बाद ही वाहन चालक अपने गंतव्य के लिए रवाना हो पाए। क्या मंडी लोकसभा चुनाव होगा अवैध घोषित? कंगना रनौत समेत इन्हें मिला नोटिस। मंडी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया है कि मंडी संसदीय सीट से बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरने वाले लायक राम नेगी ने विभाग का एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया था। ऐसे में चुनाव रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। इस वजह से प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सका। इसी को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंडी से नामांकन पत्र को गलत तरीके से रद्द करने के मामले में अदालत ने नव निर्वाचित सांसद कंगना रनौत और DC मंडी एवं रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी दलीलों में कहा कि रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन गलत तरीके से रद्द किया है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के लिए हुए चुनाव को रद्द किया जाए। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने की। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। याची लायक राम नेगी किन्नौर जिले के नीचार से संबंध रखते हैं। नेगी वन विभाग के अधीक्षक पद से रिटायर हुए हैं। केंद्रीय बजट में रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल को 2698 करोड़, रेल मंत्री ने दी जानकारी। केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश को 2698 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुधवार को राज्यवार बजट आवंटन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेलवे के बजट में पहाड़ी राज्य हिमाचल को अधिमान दिया गया है। UPA की सरकार में जहां महज 108 करोड़ रुपए प्रदेश को मिलते थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसमें करीब 25 गुना की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली लेह योजना समेत अन्य रेल लाइनों का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। हिमालयन क्षेत्र में रेलवे विस्तार एक चुनौती है, इसको देखते हुए केंद्र सरकार यहां पर सुरक्षित रेलवे विस्तार पर ध्यान दे रही है। अमृत भारत स्टेशन योजना 2024 के अंतर्गत प्रदेश के 4 रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए स्तरोन्नत किया जा रहा है। इसमें ऐतिहासिक शिमला रेलवे स्टेशन के अलावा अम्ब इंदौरा, बैजनाथ पपरोला और पालमपुर रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में 100% रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। इसमें यूनेस्को की धरोहर होने के कारण कालका शिमला ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को शामिल नहीं किया गया है। 300 करोड़ रुपए का बजट चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए रखा गया है। YouTube पर वीडियो देख श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए इन देशों से पहुंचे श्रद्धालु। श्रीखंड महादेव के दर्शनों के लिए देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। बुधवार को श्रीखंड महादेव के दर्शन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के थवनस देवा स्टीफा और जर्मनी के अस्मिट ज्योलप्पे रवाना हुए। दोनों विदेशी यात्रियों ने कहा कि उन्होंने श्रीखंड महादेव यात्रा के बारे में YouTube पर वीडियो देखा और वीडियो में यहाँ की खूबसूरती देखकर यात्रा करने का मन किया। इसकी जानकारी सोशल मीडिया से ली और ट्रस्ट के ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाकर यात्रा के लिए निकले हैं। वहीं SDM निर्मण मनमोहन सिंह ने भी श्रीखंड महादेव के दर्शन किए और यात्रा का जायजा लिया। चंबा के बागवान ने सेब के एक पौधे पर तैयार कर दी 5 किस्में, दिल्ली में सम्मानित।
सेब के एक पौधे पर 5 किस्में तैयार करने वाले चंबा जिला के सलोनी उपमंडल के तवारी निवासी पवन कुमार को दिल्ली में उत्कृष्ट किसान पुरस्कार से नवाजा गया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने युवा बागवान को नवोन्मेषी किसान के रूप में यह सम्मान दिया। उनका पूरा परिवार 30 से 35 वर्षों से सेब की बागवानी कर रहा है। उन्होंने मेहनत के बल ही ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कम जगह में सैकड़ों पौधों को तैयार कर प्रतिभा का हुनर दिखाया है। हर साल बागवानी विभाग हर वर्ष बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बागवानों के नामों को पुरस्कार के लिए भेजता है। इसके तहत ही पवन कुमार का नाम भी प्रस्तावित किया गया। बागवान पवन कुमार ने बताया कि उनका परिवार 30 से 35 वर्षों से सेब की फसल तैयार कर मंडियों में बेचने का काम कर रहा है। यह कार्य विभागीय अधिकारियों की राय से किया जाता है। 27 से 31 जुलाई तक रोजाना 2 घंटे बंद रहेगा चंडीगढ़ मनाली NH। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक मंडी से पंडोह के बीच रोजाना 2 घंटे बंद रहेगा। इस संदर्भ में मंडी जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के तहत 5 दिनों तक रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक हाईवे को बंद रखा जाएगा। DC मंडी अपूर्व देवगन ने जानकारी देते हुए बताया कि NHAI की तरफ से प्रशासन को निवेदन प्राप्त हुआ था कि मंडी से पंडोह के बीच कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। खासकर कुछ स्थानों पर बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें पहाड़ी पर लटकी हुई हैं जो कभी भी गिरकर तबाही मचा सकती हैं। ऐसे में इन पत्थरों और चट्टानों को हटाना जरूरी है। वहीं कुछ स्थानों पर भूस्खलन के कारण मलबा गिरा हुआ है जिसे हटाना भी जरूरी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को तुरंत प्रभाव से करने के निवेदन को स्वीकार करते हुए 5 दिनों तक हाईवे को रोजाना 2 घंटे तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बोलेरो से मिली 75 पेटी अवैध दारू, राजेश के खिलाफ मामला दर्ज। सिरमौर की पछात पुलिस ने गश्त के दौरान बनाह की शेर के समीप शराब की तस्करी का पर्दाफाश किया है। गश्त के दौरान एक बोलेरो को चेकिंग के लिए रोका गया। आपको बता दें कि यह घटना सुबह 10:45 की है। गाड़ी के चालक ने अपनी पहचान राजेश कुमार निवासी सरोगा बताई। गाड़ी की तलाशी लेने पर पुलिस को शराब की 75 पेटियां मिली। इनमें 240 बोतल अंग्रेजी शराब, 72 आधी बोतल अंग्रेजी शराब, 192 बोतल देसी शराब, 384 आधी बोतल देसी शराब और 216 बोतल बियर थी। पुलिस ने अवैध शराब की खेप को जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ पुलिस थाना पछाद में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया है और मामले में आगामी अन्वेषण जारी है। सेब सीजन में बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को हिमाचल सरकार का तोहफा, स्पेशल रोड टैक्स में छूट। राज्य सरकार ने प्रदेश में मौजूदा सेब सीजन के दौरान बाहरी राज्यों के ट्रक चालकों को विशेष पथ कर अर्थात स्पेशल रोड टैक्स से छूट प्रदान की है। हिमाचल में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के ट्रक चालक जो नेशनल परमिट के तहत कवर नहीं है, अन्य राज्यों में आलू और सेब के परिवहन के लिए विशेष पथ कर से तुरंत प्रभाव से छूट प्रदान की गई है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों और किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। परिवहन विभाग द्वारा बागवानों और किसानों के उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाने तथा उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।